नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न मैथ इजीली में। आज के वीडियो में हम अपनी लास्ट यूनिवर्सिटी एग्जाम प्रॉब्लम जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6। इससे पहले 5 क्वेश्चंस जो हैं वो अल्जेब्रिक एलिमेंट पर बेस्ड ऑलरेडी डिस्कस किए जा चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट से। इसके 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है शो दैट क्यू √3 इज इक्वल टू क्यू √2 + √3। सेकेंड पार्ट है फाइंड अ बेसिस फॉर क्यू √2 √3। और थर्ड पार्ट है फाइंड द मिनिमल पॉलिनोमियल फॉर √2 + √3। तो चलिए शुरू करते हैं इसके सॉल्यूशन से। यहां पर देखिए, आपको शो करना है क्यू √2 √3 इज इक्वल टू क्यू √2 + √3। ये वाला पार्ट जो है इससे मिलता जुलता मैंने √3 √5 के लिए शो कर रखा है ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 2 में, नहीं क्वेश्चन नंबर 4 में। ये वाला क्वेश्चन जो है मैंने सॉल्व कर रखा है। आपको सेम वही स्टेप्स को फॉलो करते हुए √2 और √3 के लिए इसको सॉल्व करना है। सेकंड है फाइंड अ बेसिस फॉर क्यू √2 √3। आपको क्यू √2 √3 का बेसिस जो है वो कैलकुलेट करना है, जो कि आपका आएगा 1a² a³, जहां पर a जो है वो आपका होगा √2 + √3। इसको मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है क्वेश्चन नंबर 5 में, यानी कि इससे पिछले वीडियो में, जहां पर √3 √5 की जगह आपको √2 और √3 का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए इसको सॉल्व करना है। थर्ड पार्ट क्या है, फाइंड द मिनिमल पॉलिनोमियल फॉर √2 + √3। ये वाला जो पार्ट है वो मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। लेट a इज इक्वल टू √2 + √3। अब हम दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, यानी a स्क्वायर जो है वो कंसिडर कर लेते हैं। तो ये आ गया हमारे पास 2 + 3 + 2√6, विच इज इक्वल टू 5 + 2√6। अब हम इसका भी स्क्वायर कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी a स्क्वायर का स्क्वायर, यानी कि 5 + 2√6 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास में 25 + 24 + 20√6, विच इज इक्वल टू 49 + 20√6। यहां पर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 50 - 1 + 20√6। तो ये आ गया हमारे पास 50 + 20√6 - 1। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, यहां पर देखिए 10 कॉमन ले लीजिए, तो ये आ गया 5 + 2√6 - 1। तो ये क्या आ जाता है हमारे पास में, 10 × 5 + 2√6 - 1। ये आ गया 8⁴। ये हमारे पास में एक्सप्रेशन किसका है, ये हमारे पास में एक्सप्रेशन है a स्क्वायर का। तो 10a² - 1, तो हमारे पास में क्या मिल जाएगा हमको, 8⁴ - 10a² + 1 = 0। Therefore, a is equal to √2 + √3 satisfies a non-zero polynomial x⁴ - 10x² + 1 = 0। आप यहां पर क्या देख रहे हो कि ये जो polynomial है ये मोनिक भी है। यहां पर ये जो हाईएस्ट डिग्री कोएफिशिएंट है ये 1 है। इसी के साथ साथ में
हमारे पास में ये जो पॉलिनोमियल है वो इरिड्यूसिबल भी है, ये आप चीज चेक कर सकते हैं। तो ये हमारे पास में एक इरिड्यूसिबल मोनिक पॉलिनोमियल मिल रहा है हमको यहाँ पर। इसी के साथ साथ में इसका एक रूट क्या है, रूट टू प्लस रूट थ्री। इस पॉलिनोमियल का एक रूट क्या है, रूट टू प्लस रूट थ्री। हमने जब थ्योरी ऑफ इक्वेशंस पढ़ा था तब हमने कहा था कि इर्रेशनल रूट्स अकर्स इन कॉन्जुकेट पेयर्स। तो अगर हमारे पास में रूट टू प्लस रूट थ्री है इसका रूट, तो हमारे पास माइनस रूट टू प्लस रूट थ्री भी इसका एक रूट होगा, माइनस रूट टू माइनस रूट थ्री भी इसका एक रूट होगा, और रूट टू माइनस रूट थ्री भी इसका रूट होगा। आर रूट्स ऑफ एक्स टू द पावर फोर माइनस टेन एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो इस तरह से हमारे पास में आज का ये जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सिक्स, ये यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करने वाले हैं, जहां पर हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास में k जो है वो एल्जेब्राइक एक्सटेंशन है f की, और l जो है वो एल्जेब्राइक एक्सटेंशन है k की, तो हमारे पास में l जो है वो एल्जेब्राइक एक्सटेंशन हो जाएगी f की। ये वाली जो थ्योरम है वो हमने फाइनाइट एक्सटेंशन के लिए पढ़ी है, लेकिन हम इसको प्रूफ करने वाले हैं एक नए सिरे से एल्जेब्राइक एक्सटेंशन के लिए। फाइनाइट का कॉन्सेप्ट हम जानते हैं कि अगर हमारे पास में k जो है वो फाइनाइट एक्सटेंशन है f की और l जो है वो फाइनाइट एक्सटेंशन है k की, तो हमारे पास में l जो है वो फाइनाइट एक्सटेंशन हो जाएगी f की। लेकिन यहां पर हम फाइनाइट की बजाय एल्जेब्राइक एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं।